को जान दो ना क्या होता है, लोकल वालों को जाने देंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी सर। अरे चारधाम यात्रा में ई पास आवश्यक किए जाने से जहां एक ओर श्रद्धालु खासे परेशान हैं, वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही व्यापारियों और मजदूरों में आक्रोश बना हुआ है। इसके विरोध में केदार घाटी के व्यापारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने व बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी व्यापारियों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो गया है और अब ई पास की अनिवार्यता के कारण श्रद्धालु खासे परेशान हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से देश के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जिन यात्रियों के पास ई पास बन चुके हैं उन्हें तो सरलता से बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास ई पास नहीं है वे केदार घाटी पहुंचकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि यहां पहुंचकर स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वे यहां आकर परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखकर केदार घाटी के व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों एवं मजदूरों में आक्रोश बना हुआ है। अब तक बिना ई पास के केदार घाटी पहुँचे हजारों तीर्थ यात्रियों को वापस लौटा दिया गया है। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला किशन बगवाड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत 18 दिसंबर से चारधाम यात्रा का संचालन शुरू तो किया, लेकिन सीमित ई पास की व्यवस्था का खामियाजा केदार घाटी के व्यवसायियों को उठाना पड़ रहा है। ई पास न होने से भक्तों को बिना दर्शन किए हुए आधे रास्ते से लौटना पड़ रहा है, जिसका असर यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के साथ ही तीर्थाटन और पर्यटन पर भी पड़ रहा है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए ई पास की व्यवस्था को अब खत्म कर देना चाहिए, जिससे श्रद्धालु आसानी से बाबा केदार के दर्शन कर सके। उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के गठन से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यह बोर्ड व्यापारियों के हित में नहीं है। ई पास के कारण सीमित संख्या में ही केदारनाथ धाम में यात्री पहुँच रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले जब से इन्होंने देवस्थानम बोर्ड लागू किया तो सबसे पहले इन्होंने ई पास कर दिया है, जिससे पूरी घाटी में रूस है, केवल तीर्थ पुरोहितों में नहीं है, पूरी घाटी में रूस है। और ये ई पास व्यवस्था बंद होनी चाहिए। यहाँ हमारे जो चारों धाम है ये केवल यात्रा पर के डिपेंड है, और इन्होंने हमारी यात्रा तो खोल दी नाम मात्र के लिए, लेकिन हमारा सारा रोजगार खत्म कर दिया है। और ये ई पास व्यवस्था तत्काल खत्म होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को जो है चारों धामों में जाना चाहिए, और इसको ये पर्यटक चाहते हैं इसको बनाना। ये तो तीर्थाटन है, ये तीर्थ की भावना को मद्देनजर रखते हुए यात्रियों को जो है चारों धामों में निःशुल्क जाना चाहिए। 18 तारीख से 22-23 तारीख तक जो है 150 आदमी पहुंचे हैं, बाकी सारे यात्री जो है इन्होंने ई पास की वजह से सोनप्रयाग से वापस किया है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है ई पास की वजह से। मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी अगर यात्रा चलानी है तो आप जो है तुरंत ई पास जो है खत्म करें और यात्रा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे यात्रा नहीं चलेगी तो यहाँ पे सारे लोग बेरोजगार हैं और इसी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लोग जो है अपना रोजगार चलाते हैं। 2 साल से लोग जो है यहाँ पे काफी परेशान हैं। व्यापारी, मजदूर एवं तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में कांग्रेस भी आगे आ गई है। कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को आसानी से जाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 2 साल से कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हैं और अब ई पास की अनिवार्यता से लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। जो चारधाम यात्रा थी, चारधाम यात्रा में लोगों को जाने की परमिशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अब यहाँ के लोगों का जीवन यापन यात्रा पे ही है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। लोग जो घोड़ा खच्चर चलाते हैं केदारनाथ में, लोगों का ढाबा चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, इसी से रोजगार है। रुद्रप्रयाग जिले का मैं बात करूँ अगर तो रुद्रप्रयाग में इसी से इनका रोजगार चलता है, लेकिन आज स्थिति यह होगी कि लोगों का रोजगार खत्म हो गया। यात्री आ रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके ढाबे नहीं चल रहे, घोड़े खच्चर वाले त्रास दे। तो इस तरह सरकार ने तो लोगों को त्राईमाम पे छोड़ कर दिया है। उनकी छोटी सी मांगों को ये पूरी नहीं कर पा रहे, क्या महिलाओं का विकास कर रहे हैं। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चनभट की खास रिपोर्ट।